नए पाकिस्तान के साथ नए पंजाब की तैयारी भी शुरू। नई नवेली पंजाब असेंबली के 354 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर के लिए पीटीआई के चौधरी परवेज इलाही और नून लीग के इकबाल गुज्जर आमने सामने। डेप्टी स्पीकर के लिए तहरीक इंसाफ के दोस्त मोहम्मद मजारी, उनके मद्दे मुकाबल नून लीग के मलिक वारस कल्लू। कप्तान के खिलाड़ियों की स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के इंतखाबी मैच की भरपूर तैयारी। फ्लैटीज होटल में सूबाई पार्लियामानी पार्टी का इजलास। शाह महमूद कुरैशी बोले, पंजाब में पीटीआई और इत्तेहादियों को वाज़े अक्सरियत मिल चुकी। परवेज इलाही तजर्बाकार सियासतदान हैं, असेंबली बेहतर अंदाज में चलाएंगे। अब्दुल अलीम खान कहते हैं, गवर्नर हाउस को गिराएंगे नहीं, खर्चा कम करेंगे। जो कहते हैं हुकूमत दो साल नहीं चलेगी, उन्हें सदमा होगा। पंजाब में स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का इंतखाब। पीपल्स पार्टी का राह फरार इख्तियार। पीपल्स पार्टी का आज के इंतखाबी अमल से दूर रहने का फैसला। इंतखाब में पीटीआई और नून लीग को वोट नहीं देगी। और पीटीआई के नामजद स्पीकर पंजाब असेंबली की आज नैब में भी तलबी। आमदन से जायद असासाजात का केस, नैब हुकाम ने चौधरी शुजात और परवेज इलाही को आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। एस गार्ड कंपनी केस की तहकीकात का भी दायरा कार वसी। नैब ने अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सद्दीकी को 27 अगस्त को बुला लिया।